हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं आपको दिन में जितनी भी वीडियो अपलोड होती है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, ऑनलाइन टेस्ट, तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 20 टेस्ट 120 रुपये में है, एसआई के लिए 20 टेस्ट 199 रुपये में। तो आप इनको परचेज करके, और ग्रुप डी वीडियो, ALPCBT 2, इन सभी के लिए भी टेस्ट अवेलेबल है। लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और ये जो प्राइस लिखे हैं आफ्टर डिस्काउंट लिखे हैं। अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो ये सौरभ SPL कोड भर के आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, और वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा वो भी समझ में आएंगे, और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो रेलगाड़ियाँ समान दिशाओं में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती हुई एक दूसरे को 1 मिनट में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए, दो रेलगाड़ियां जा रही हैं, एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है, ये धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 1 मिनट में पार कर देती है, यानी कि मैं बोलूँ तो 60 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है, एक रेलगाड़ी की तो हमें लंबाई पता है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं। जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करती हैं तब हम क्या करते हैं? देखिए, जब भी एक ही दिशा में मूव करती हैं दो रेलगाड़ियाँ, सबसे पहले तो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में मूव करती हैं या फिर दो अपोजिट डायरेक्शन से आती है, तब दोनों की लंबाई को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है ना? और जब ये एक ही दिशा में मूव करती हैं तब इनकी स्पीड का हम डिफरेंस लेते हैं, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आती है, यानी कि एक इधर से जाएगी और एक इधर से आएगी, तब हम इनकी स्पीड को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो आते हैं हम अपना दोबारा से क्वेश्चन पे। ये आपको यूज करना है जब टाइम निकालना है। ठीक है ना? टाइम बराबर क्या होता है? लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, और डिवाइड कर देते हैं दोनों की इस चाल के डिफरेंस से, यानी कि दोनों की जो चाल आएगी उनका जो डिफरेंस आएगा उससे हम इसको भाग कर देंगे। अब यहाँ पे जो लंबाई दे रखी है एक ट्रेन की, वो 125 मीटर दे रखी है, और जो चाल है वो किलोमीटर में है। तो हमें सबसे पहले तो इस जो किलोमीटर में चाल दे रखी, इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, क्योंकि हमें तो चाल का डिफरेंस चाहिए ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 54 और 36 का डिफरेंस 18 आएगा। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आई है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकंड आपकी ये चाल आ जाएगी। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है? टाइम आपको पता है 1 मिनट में पार कर जाती है, यानी कि मैंने 60 सेकंड लिख लिया, क्योंकि सारा क्वेश्चन जब मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो आपको ये मिनट तो कभी नहीं लेनी, ना तो ये घंटे के साथ में आती है, मतलब जब किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है, और ना मीटर पर सेकंड के साथ में आती है। तो यहाँ पे हम 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो यहाँ पे टाइम लिख लेंगे 60 सेकंड। पहले वाली ट्रेन की लेंथ है 125 मीटर, दूसरे वाली की हमें पता नहीं, तो हम उसको L2 लिख लेंगे। जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसको 5 मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 125 प्लस L2, और ये हो जाएगा 60 × 5 = 300। ठीक है, तो 60 × 5 = 300 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अपना 300। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, L2 बराबर क्या हो जाएगा, 300 में से 125 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 175। तो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन क्या हो जाएगी? 175 मीटर। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले, किसी कार्य को समाप्त करने में, कोई कार्य है जिसको समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, यानी कि मैंने माना बी 100% समय लेता होगा, 100% समय अगर बी लेता है तो ए उससे 50% अधिक लेगा, ये 150% समय लेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे परसेंटेज में इन्होंने दिया था, हम इसको रेशियो में बदल लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 2 बार कट जाएगा और 5 से 3 बार कट जाएगा, यानी कि 3:5 का रेशियो हमारे पास आ गया टाइम का। ठीक है,
अब टाइम के अपोजिट होता है आपका वर्किंग रेशो, जो जितना टाइम लेता है वो उतना ही कम कार्य करता है। ये ज़्यादा टाइम लेता है इसका मतलब ये कम कार्य करता होगा, और ये कम टाइम लेता है ये ज़्यादा कार्य करता होगा। वर्किंग रेशो अपोजिट होता है हमेशा टाइम रेशो के, टाइम रेशो अपोजिट होता है हमेशा वर्किंग रेशो के। तो हमें टाइम रेशो मिल गया 3:2, तो आपका वर्किंग रेशो क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, अब आपको पता चल गया वर्किंग रेशो 2:3 है। तो अब दोबारा से आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला यदि दोनों ने मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये इन दोनों का वर्किंग रेशो कितना है, 3 और 2 5, 5 की गुणा 18 में कर देंगे तो 90 यूनिट आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया, 90 यूनिट हो गया है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर लिखा है समाप्त करते, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी आपका करेगा 90 को, यहाँ पे बी करता एक दिन में कितना है, बी करता एक दिन में 3 यूनिट वर्क, तो 90 को कितने दिन में करेगा, टोटल यूनिट वर्क तो हमें मिल गया ना 90, क्योंकि 18 दिन में दोनों मिलकर करते हैं, एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट वर्क करते हैं, तो 90 यूनिट टोटल वर्क हो गया। 90 को 3 से भाग कर दिया तो 30 दिन आ जाएगा, यानी कि बी इसको 30 दिन में करेगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता एक कितने दिन में करेगा, तो हम 90 को 2 से भाग कर देते तो कितना आता 45, तो 45 दिन में करता ए यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% का लाभ हो। अब यहाँ पे देखिए बात की जा रही है दूध और पानी के मिश्रण की, कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमें 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो अगर मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, जितने में खरीदता हूँ उतने में बेच देता हूँ। तो दूध का प्राइस मैं मान लेता हूँ 1 रुपया है, ठीक है, दूध का क्रय मूल्य हमने माना 1 रुपया है, तो उसमें कितना बढ़ाऊँ कि ये 16 सही 2/3% जो है वो मेरा प्रॉफिट आ जाए। तो 1 रुपये का हम यहाँ पे इसको हम 16 सही 2/3 को हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो 50/3 आ जाएगा। अब मैं इस एक में कितना बढ़ाऊँ, 100+50/3 करूँगा, तो 100+50/3 × 100 कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 350/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 300/350। इसको हम 0 से 0 कट करेंगे, 5 से कट करेंगे, 6 × 5 = 30 होता है, तो 6 और ये हो जाएगा 7, तो 6/7 औसत मूल्य आ गया। यानी कि अगर 6/7 रुपये मतलब के हिसाब से बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 16 सही 2/3% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैंने मिल्क को कितना माना था, 1 रुपया, वाटर का हमेशा प्राइस आपको 0 लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कभी भी बोला जाए कि इस वोटर को किस रेशो में मिलाया जाए, तो वोटर के प्राइस जो रखना है आपको हमेशा 0 रखना है। अब दिल्ली में रहने वाले बच्चे या फिर कहीं पे जहाँ पे पानी जो है मोल का मिलता है, मतलब आपका प्राइस पे करने पड़ते हैं उसके कुछ, तो वो मत ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे प्राइस पे करने पड़ते हैं, मैं कैसे मान लूँ। तो वोटर को आपको हमेशा जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 0 ही मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6/7 आपको रखना है जितने में आपको इसको सेल करना है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1/7, इसको इसमें से माइनस करेंगे 6/7, तो यहाँ पे देखिए 7 तो कॉमन है, तो रेशो आपका क्या गया मिल्क और वाटर का 6:1 का। तो इस रेशो में अगर आप बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट 16 सही 2/3% हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इस रेशो में मिला के मिल्क और वाटर को बेचना होगा इस रेशो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों का 30% अंक मिलता है पास से 20 अंक अधिक पा जाता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एक परीक्षा में जो अधिकतम अंक है उसका 20% अंक जिस बच्चे को मिलते हैं वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसको 20% अंक प्लस 5 अंक मैं दे दूँ ये पास हो जाएगा, तो चलिए बिल्कुल इसको पास कर देते हैं, 20% प्लस 5 मैंने लिखा यहाँ पे, तो ये पास हो गया। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दूसरा छात्र है जिसे अधिकतम अंकों का 30% अंक मिलता है और वो 20 अंक अधिक ले जाते हैं, तो इसके भी जो अधिक अंक लेके जाते हैं उसको माइनस कर देते हैं, इसको भी बस पास करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जिसको अधिक अंक मिले हैं उसके माइनस कर दो, उसको भी जस्ट पास करो, और जिसको कम मिले हैं उसको उतने नंबर दे दो जितने से वो फेल हो रहा है, तो वो भी जस्ट पास हो जाएगा। तो 20% प्लस 5 और 30% माइनस 20 हम कर देंगे क्योंकि इसको 20 अंक अधिक मिले हैं। तो बस अब आपकी इक्वेशन तैयार है, आपको इसको सोल्व करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे करना है,
अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये आपका प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 10%। तो 10% बराबर आपका क्या आ गया, 25 आ गया। अगर आपको 10% की वैल्यू मतलब पता है कि कितनी है तो आप 100% निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले टोटल मार्क्स निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखिए कई क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 25 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10% के इक्वल है, और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें 100% मार्क्स का निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगी, 250 यानी कि 250 अंक आपके टोटल मार्क्स हैं, ठीक है भाई। पासिंग मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स के लिए क्या करेंगे, इस 250 का 20% निकालिए, कितना आ गया आपका, ये जीरो से जीरो कटेगी, ये आ गया 50। अब जिसको 20% मिलता है वो कितने से फेल होता है, वो होता है 5 अंकों से, तो इसमें 50 में 5 और प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 55। अब ये पास हो गया, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 55 हो गए, समझ गए ना भाई आप इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमने 250 का 20% निकाला, 50 आया, 50 जिसको जिसको 20% मिलेगा वो 5 नंबर से फेल हो रहा था, तो उसको 5 देके मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे पास मार्क्स भी पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन में आपके पूछा गया प्रतिशत, परसेंटेज पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको 55 निकालना है किसका, 250 का, तो 55 बटे 250 और गुणा कर देंगे 100 से, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 22% आएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पासिंग परसेंटेज कितनी है, 22%, यानी कि जिसको 22% अंक मिल रहे हैं वो पास है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, आप अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, जो 10%, 5% और 20% के बटे पर उपलब्ध है, सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें उसको बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये 10, 15 और 20, 3 बटे यानी कि 3 डिस्काउंट देने के बाद में क्या उसका सेलिंग प्राइस होगा वो आपको बताना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि MRP 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये आपको 3 डिस्काउंट देने हैं, या तो आप इस पर अलग अलग 3 डिस्काउंट दे लीजिए, या फिर एक ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही काम हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए अच्छी है, इसको अगर याद भी नहीं करना है, मैं समझाऊंगा आपको, वही 3 बार आपको अप्लाई करना है जो 1 बार करते हैं आप, ठीक है। ये इसलिए सही है क्योंकि कई बार क्या होता है, चीज़ें कट जाती हैं, पूरा कैलकुलेशन आपकी सोल्व हो जाती है एक ही लाइन में। तो वैसे आपको करना है MRP की मल्टीप्लाई 100 माइनस जितनी परसेंट अपॉन में 100, इस तरीके से आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, 100 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 100, 100 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 95 अपॉन में 100, 100 माइनस 20 तो 80 अपॉन में 100, इस तरीके से आपने ये लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये भी 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये 2 0 से 2 0 और कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब इसी तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें कट गई, इधर ये सारे 0 कट गए, इधर भी कट गए, इधर भी कट गया, बचा क्या, ये बचा आपका 2 से, इसको कट करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये इसको कट करेंगे 4 बार, ठीक है, ये 5 से जाएगा 19 बार, तो यहाँ पे 9 × 19 × 4 ये आपका बच गया, बाकी सारी चीज़ें कट गई, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो 684 आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपका राइट आंसर आ गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यदि एक नगर की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि हो रही है तथा नगर की वर्तमान जनसंख्या 15625 हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, ये वाली पी ब्रैकेट 100 प्लस माइनस परसेंटेज अपॉन में 100, और ये ईयर्स आएंगे यहाँ पे, जो पावर यहाँ पे रखी गई है ईयर्स की रखी जाएगी, जितने ईयर बाद पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का भी रीजन बताऊँगा ये क्या है। प्रिंसिपल आपका कितना है, यानी कि 15625 है जनसंख्या अभी वर्तमान में, ये आपने रख दिया 100, यहाँ पे बोला 4% की दर से वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस 4 कर दीजिए, और कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कमी आ रही है 4% की, कमी आ रही है 4% की दर से, तो तब आपको माइनस करना है, ठीक है। तो 100 प्लस 4 अपॉन में 100, और ये 3 साल बाद पूछा है तो आपको यहाँ पे पावर 3 रख देनी है, ठीक है। सॉरी, इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए 15625, अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 104 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है, और ये इसको मैं 3 बार लिख लूँगा, अब इसका क्यूब करूँगा तो बहुत लंबा बैठेगा और कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, 104 बटे 100 को 3 जगह लिख लेना है, ठीक है,
और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसको चार से कट करेंगे 25 बार, ये जाएगा 26 बार, इसको भी 26, 25, 26 और 25, ठीक है। 25 से अब इसको कट करेंगे 625, और 25 से इसको कट करेंगे फिर 25, क्योंकि 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको कट करने के बाद में आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये भी कट हो जाएगा 25 से 25, एक बार बचेगा 26 गुणा 26 गुणा 26, इनको सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 3 वर्ष बाद जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 17,576, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पाइप एंड टंकी से एक क्वेश्चन, दो पाइप एक टंकी को क्रम 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में यह पाइप क्रम 8 बजे 9 बजे प्रातः 11 बजे प्रातः खोल दिए जाते हैं, टंकी कितने बजे खाली होगी। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ए टंकी इसको 15 घंटे में भर सकता है, बी टंकी इसको 12 घंटे में भर सकते हैं, और जो सी टंकी है, तीसरी टंकी है, वो 4 घंटे में इसको खाली कर सकती है। तो सी टंकी के सामने मैंने माइनस का साइन लगा लिया, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये खाली करने वाली टंकी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम तीनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं और वो आंसर आपका ऑप्शन में मिल जाता है, तो आप उसको टिक भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम, कितना आएगा 60, ये आ गया टोटल यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि ये इसकी टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की, इसमें इतना यूनिट पानी भरा जा सकता है। यहाँ पे एक घंटे की कैपेसिटी कितनी है एक पाइप की वो निकाल लेते हैं। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 12 तो 5 आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 4 तो 15 आ जाएगा, यानी कि ए एक घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, बी एक घंटे में 5 यूनिट पानी भरता है, और सी एक घंटे में 15 यूनिट पानी निकाल देता है। दोनों मिलकर ये 9 यूनिट पानी भरते हैं और ये अकेला ही 15 यूनिट पानी खाली कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 9 बजे खुलता है और ये फिर 8 बजे खुलेगा पहला पाइप, दूसरा 9 बजे और तीसरा 11 बजे। तो सबसे पहले ए हमने खोला तो वो 4 यूनिट पानी भरेगा, फिर हमने 9 बजे खोला दूसरा पाइप तो ए तो ऑलरेडी खुला हुआ था, बी भी खुल गया, 20 से 11 यानी कि 9 से 11 कितने 2 घंटे, तो ये 1 घंटे में 9 यूनिट पानी भरते हैं तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 18 यूनिट पानी। तो अभी तक जब तक ये सी नहीं खुला था अभी तक इन्होंने 22 यूनिट पानी भरा है, ठीक है, 22 यूनिट पानी इन्होंने भरा है। तो अब यहाँ पे सी पाइप भी खोल दिया जाता है, सी पाइप खाली करने वाला पाइप है, तो ये दोनों 1 घंटे में 9 यूनिट पानी भरते हैं, ये अकेला 15 यूनिट पानी निकाल देता है। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि अब पानी जैसे टंकी में इतना भर रहा था ना, इतना भरा हुआ पानी था, तो ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर को नहीं जाएगा भरने के लिए, जब इसमें 9 यूनिट पानी भरा जाएगा और 15 यूनिट निकाला जाएगा तो जो जितना इसमें भरा हुआ है ना वो खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें से 15 यूनिट जब निकलेगा और 9 यूनिट डलेगा तो हर घंटे में 6 यूनिट पानी बाहर निकलता रहेगा। तो आपको इसे यही पूछा गया है सॉरी कि ये जो 6 यूनिट पानी हर घंटे में निकला जाएगा तो इसको खाली होने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या करना है, 22 यूनिट जो पानी अभी तक दोनों ने मिलकर भरा था उसको 6 से भाग कर देना है। तो 22 को 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 3 सही 4/6 यानी कि 3 सही 2/3, इसको हम मिनट में बदल लेते हैं तो यह आपका आ जाएगा, 2/3 को मिनट में बदलेंगे तो यह आपका आ जाएगा 40 मिनट, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट में ये खाली हो जाएगा। तो आप 11 से 3 घंटे लगा लीजिए, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, तो 2:40 पे टैंक खाली हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया कि कितने बजे टैंक खाली हो जाएगा, तो 2:40 पे टैंक खाली हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। देखिए किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज, तो सिंपल हो गया बिल्कुल क्वेश्चन, एक 7 वर्ष और 10 वर्ष का जो ब्याज का अंतर है साधारण ब्याज का वो कितना है, 150 रुपये है, यानी कि 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 150 रुपये है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ, चलिए इसको 3 से डिवाइड भी नहीं करते हैं, इसको बिल्कुल वैसे ही करते हैं, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला एस आई बराबर P(R)(T)/100 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे एस आई कितना है आपका 150, पी कितना है आपका, ये प्रिंसिपल आपका कितना है ये आपको निकालना है, रेट आपका कितना है 5%, और टाइम कितना है, ये 3 ईयर का 150 दे रखा है, तो यहाँ पे टाइम आपका हो जाएगा 3/100 लिख लेना है, 5 से 100 जाएगा 20 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 3000/3P, ठीक है। तो 3 से 3000 को डिवाइड करेंगे तो पी बराबर आपका कितना आ जाएगा 1000, तो पी बराबर आपका 1000 आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जो आपका मूलधन है प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 1000, ठीक है भाई। तो
तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करके टॉपिक स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं सर्च करके सौरभ मलिक SAURABH MALIK। आप सौरभ मलिक सर्च करिएगा तो आपको मैं फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह मिल जाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरीज रहती है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप किसी भी टाइम किसी भी समय। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।